नाउ so स्टूडेंट्स हमने हमने बेसिकली स्प्रिंट की हमने हमने सारे टास्क आइडेंटिफाई कर लिए हमने टास्क के एस्टिमेशंस कर लिए और हमने ये भी देख लिया कि स्प्रिंट होती क्या है अब ये देखते हैं कि स्प्रिंट स्टार्ट करने से पहले जो मेजर एक्टिविटी है वो क्या है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग स्प्रिंट प्लानिंग से मुरादी होती है कि आपने यूजर स्टोरीज जितनी भी एस्टिमेशंस करनी थी वो आपने कर ली अब आपने जो आपकी यूजर स्टोरीज हैं वो अब अब आपने किसी को असाइन भी तो करनी है अब प्लानिंग कि आप रिलीज जो है उसके उसको आपने डिवाइड कर दिए स्प्रिंट्स में दो दो वीक की स्प्रिंट्स हैं या तीन वीक की स्प्रिंट्स हैं अब आपने ये इंश्योर करना है यानी आप ये देखना चाह रहे हैं कि दो वीक के दो वीक के अंदर या तीन वीक के अंदर अब क्या आप कौन से टास्क अब डिलीवर कर रहे हैं अब उन टास्क को आपने असाइन करना है अपनी टीम के साथ अमूमन जो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है उसके अंदर स्क्रम मास्टर का होना लाजमी होता है प्रोडक्ट ऑनर का होना बिल्कुल लाजमी होता है और जो पूरी की पूरी टीम है वो इसके अंदर मौजूद होती है मतलब एज ऑपोजिटली अगर एजाइल ना होता तो अमूमन अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसका टीम लीड या एट मोस्ट क्लाइंट ये तीन बंदे मिलके स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कर लेते हैं एजाइल में ऐसा नहीं होता एजाइल में पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व होती है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्योंकि ये एक मेजर एक्टिविटी है बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग टास्क आइडेंटिफिकेशन के अलावा यानी एक स्प्रिंट में जितने भी टास्क डिलीवर करने हैं उसके अलावा आपने ये असाइन करना होता है कि ये टास्क करेगा कौन एस्टिमेशन हमारे पास आ गई और आपके पास अब मल्टीपल डेवलपर्स मौजूद हैं यूएक्स के बंदे हैं क्यूए के लोग मौजूद हैं अब आपने असाइन करना है टास्क अगले दो वीक का आपने प्लान आउट करना है ऑब्जेक्टिव यही है कि दो वीक के बाद या तीन वीक के बाद आप एक शिपेबल प्रोडक्ट यानी आप कस्टमर को बता सकते हैं कि दो वीक के बाद ये फीचर्स आपको अपने प्रोडक्ट का पार्ट मिलेगा यानी शिपेबल प्रोडक्ट है ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम दो वीक में रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेंगे या डिजाइन कर देंगे नहीं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस खत्म करनी है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है दो वीक के अंदर तो ये आई शो यू अ सैंपल स्प्रिंट प्लान ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए एक बहुत की क्वेश्चन है जो आई मीन यू विल नॉट फाइंड इट इन इन अ बुक लेकिन बहुत रियल टाइम मसला है वो ये है कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है यानी एक समझे एक एक्स वाई जी वेबसाइट है वो चल रही है उसके कुछ हजारों या लाखों एंड यूजर्स हैं साथ में आपकी स्प्रिंट चल रही है दो वीक के बाद आपने क्लाइंट को कोई काम डिलीवर करके देना अब क्लाइंट आपके हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स है अब था आपको बग्स भी रिपोर्ट हो रहे होंगे लाइव इश्यूज भी रिपोर्ट हो रहे होंगे आ, या आपके जो कस्टमर्स है वो आप भी आपको इश्यूज बता रहे होंगे अब यह एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है और मैंने ये बहुत दफा देखा है कि टीम्स आपस में खासी कस्टमर जो है वो टीम के साथ खासा यू नो एट टाइम थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि जी ड्यूरिंग स्प्रिंट म एजाइल का ये रूल होता है कि ड्यूरिंग स्प्रिंट स्कोप चेंज नहीं होगा अगर दस टास्क करने थे तो दो हफ्ते के लिए वो टास्क का काउंट दस ही रहेगा वॉट स्प्रिंट स्टार्ट हुई और चौथे दिन एक लाइव इशू रिपोर्ट हो गया अब टीम काम कर रही थी दस इशूज के ऊपर क्लाइंट ने कहा बाक, बाकी दस इशूज मुझे नहीं चाहिए मुझे ये लाइव इशू अभी फिक्स चाहिए और वो क्लाइंट अपनी जगह सही है मैं यहाँ पे क्लाइंट से मुराद प्रोडक्ट ऑनर ले रहा हूँ कि उसको कोई उसके क्लाइंट ने इशू रिपोर्ट किया अब यहां पे अमूमन जो स्ट्रेटजी हम लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि जब स्प्रिंट प्लान कर रहे होते हैं उसके अंदर हम मार्जिन रख लेते हैं यानी फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है उसको हम या कोई सीनियर डेवलपर है उसको हम हंड्रेड परसेंट टास्क एलोकेट नहीं करते दो हफ्ते के अंदर उसको हम मार्जिन उसको यानी उसके लिए कुछ स्पेस रख लेते हैं कि अगर कोई लाइव इशू आ भी जाए तो वो उसके पास इतना मार्जिन हो कि वो अपनी स्प्रिंट के प्लान टास्क भी कर सके और साथ में अगर कोई लाइव इशू आ रहा है वो भी कर सके लेकिन ये कहने के लिए बड़ा आसान है लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है दूसरा ये होता है कि आप अपने स्प्रिंट का साइज तीन से चार हफ्ते पे ले जाते हैं वो इसलिए ले जाते हैं कि आपको ये पता होता है कि जी दो हफ्ते में हमारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तीन चार दिन हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं कि अगर लाइव इशू आ गया तो लाइव इशू की वजह से जो इशूज जो प्लान इशूज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगे तो हम तीन चार दिन में वो अकोमोडेट कर लेंगे तो ये दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं हाउ टू हैंडल द स्प्रिंट प्लानिंग अगेन इन सारी चीजों का को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यानी आपको कोई डॉक्यूमेंटेड वे में नहीं मिलेगा कि लाइव इशू आ जाए जा तो एक्स स्टेप कर लें लाइव इश्यू ना आए तो वाई स्टेप कर लें इसके अंदर खासी टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व होती हैं सो एट द एंड लेट मी शो यू अ सैंपल स्प्रिंट प्लान ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं स्प्रिंट प्लान मैं क्या किस को रहा हूँ नाउ स्टूडेंट्स ये अमूमन आपको एक एक एक्सेल की फाइल या कोई अगर आप टूल यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपको इस तरह का अमूमन मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपने रिलीज नंबर लिखा हुआ है थ्री पॉइंट एट डॉट वन स्प्रिंट नंबर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल आपने वन स्प्रिंट की स्टार्ट डेट आपने बता दी कि ट्वेंटी फिफ्थ को स्टार्ट होगी और आपने एंड डेट भी बता दी कि जी सिक्स जुलाई को ख़त्म हो रही है जो भी दो हफ्ते की आपने स्प्रिंट रखी है प्लैंड स्टोरी पॉइंट जो है वो आपके थर्टी हैं क्योंकि आपके पास स्टोरी पॉइंट्स के एस्टिमेट्स मौजूद थे तो आपने वो सम अप करके यहाँ पे लिख दिए वेलोसिटी क्या है वो अभी हम छोड़ देते हैं हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था ये आपकी सारी यूजर्स स्टोरीज हैं जो हमने एक स्पिट में फाइनलाइज की हैं एफर्ट हमारे पास पहले ही थी यानी हमारे पास स्टोरी पॉइंट की यानी यूजर्स स्टोरी की जो स्टोरी पॉइंट्स है वो पहले ही थे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि असाइन टू में अब हमने बंदों के नाम लिख दिए और कासिम यूजर स्टोरी वन करेगा अली यूजर स्टोरी टू करेगा एंड सो ऑन जो नया कॉलम इसके अंदर इंट्रोड्यूस मैंने कराया ना वो स्टेटस का है। ये स्टेटस वही स्टेटस है जो डेली स्टैंड अप में हर डेवलपर या टीम मेंबर सुबह उठ के बताता है कि जी फलाना टास्क यानी यूजर स्टोरी वन डब्ल्यू आई पी है यानी वर्क इन प्रोग्रेस है यूजर स्टोरी टू जो अली कर रहा है वो वर्क इन प्रोग्रेस है यूजर स्टोरी थ्री अभी पेंडिंग है यानी अभी इस पे काम स्टार्ट नहीं हुआ और अभी कोई भी टास्क कंप्लीट या डन नहीं हुआ तो ये जो स्टेटस है ना ये बेसिकली जो स्क्रम मास्टर होता है वो बेसिकली स्टेटस को देख रहा होता है कि कितने टास्क हो गए हैं और कितने टास्क रह गए हैं और यही स्टेटस स्क्रम बोर्ड के ऊपर भी डेली डेवलपर्स जाके चेंज कर रहे होते हैं सो दिस इज सैंपल बट एक्चुअल स्प्रिंट प्लान जो मैंने किसी स्प्रिंट से उठाया एक्चुअली और जस्ट टू शो यू गाइस के स्प्रिंट प्लान एक्चुअली होता क्या है तो ये सिर्फ स्टेटस का कॉलम है जिसके जरिए हम स्प्रिंट की जो प्रोग्रेस है वो इसको एक्चुअली ट्रैक कर रहे होते हैं